टू लेंथ कंपेंसेशन, तो हमारे पास सीएनसी अवेलेबल है, हम उसमें कई तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि ड्रिलिंग, रीमिंग, बोरिंग, थ्रेडिंग, कई तरह से। तो उसके लिए अलग अलग टाइप के हमारे पास वेरियस टूल्स लेंथ और डायमीटर के अवेलेबल हैं, हम उसके यूज से हम सारे प्रोसीजर या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर सकते हैं। नाउ तो हमारे पास जो पूरा सीएनसी है वो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर चलता है, एक डब्ल्यूसीएस है और एक एमसीएस। डब्ल्यूसीएस यानी कि वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, एमसीएस यानी मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमें तो सिर्फ क्या करना होता है कि सीएनसी में हमें सबसे पहले टूल लेकर कोई एक पॉइंट को हमें डिफाइन करना होता है, जिसे डब्ल्यूसीएस कहा जाता है, और उसको रेफरेंस कर कर ही हमें सारे डेटा को इनपुट करना है सीएनसी में। और जैसे कि हमें ये इस पॉइंट पर ड्रिल करना है, तो हमें सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट देना है, उसके साथ जेड यानी कि जितनी डेप्थ तक हमें होल करना है। पर एक्चुअल केस में क्या होता है कि सीएनसी को तो क्या करना होता है कि इस टूल को, ये हमारा टूल है, ये हमारा टूल होल्डर है, और जो टूल को है वो यहाँ पर लाना पड़ता है होल करने के लिए। तो बेसिकली वो सारी कंप्यूटेशनल डेटा है कि क्योंकि हमने ये डेटा तो हमने इनपुट नहीं किया, हमने तो सिर्फ डब्ल्यू सी एस एक्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट ही इनपुट किया है। तो एक्चुअल में तो उसे टूल को उठाकर यहाँ पर लाना पड़ेगा जहाँ पर हमें होल करना है। तो ये सारे जो डेटा कंप्यूट करने हैं, एस्टिमेट करने हैं, वो तो सीएनसी अपने आप ही कर लेगा। और ये सारा जो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है कि जो ये टूल टिप और सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसे टूल लेंथ ऑफसेट या इफेक्टिव लेंथ बोला जाता है। तो टूल लेंथ से वर्क पीस तक हमें कितना जाना है वो अपने आप ही सीएनसी मेज़र कर लेगा या एस्टिमेट कर लेगा। तो मेनली WCS एंड MCS पर वर्क करता है। और ये पूरा अगर हम एक एग्जांपल लेकर समझ सके कि टूल लेंथ कंपेंसेशन क्या है और क्यों चाहिए, तो हमारे पास एक 5 सेंटीमीटर लेंथ वाला एक टूल अवेलेबल है ड्रिलिंग का, और एक 10 सेंटीमीटर लेंथ वाला एक टूल अवेलेबल है। तो हमें इस वर्किंग एक वर्क सरफेस पर, या कह सकते हैं कि एक वर्क पीस पर हमें वर्क करना है, होल करना है, तो 5 सेंटीमीटर की मदद से हमें 10 कह सकते हैं कि हम चलो कि 3 सेंटीमीटर का एक डेप्थ वाला होल करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, टूल को यहाँ पर नीचे लाकर एक WCS हमें फाइंड करना है, इनपुट करना है कि उसका एक्स वाई जेड ओरिजिन जीरो रहेगा, ओरिजिन हमें सेट करना है मेनली। तो और टूल की लेंथ जिस तरह से होगी उस प्रकार से MCS वो अपने आप CNC कैलकुलेट कर लेगा, और जिस पॉइंट पर हमें ड्रिल करना है वो अपने आप ही, हमें तो सिर्फ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ही देने हैं कि इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर इतनी डेप्थ वाला हमें होल चाहिए, तो वो MCS को अपने आप कैलकुलेट कर वहाँ पर होल कर देगा। अगर देखें कि उसी वर्क पीस पर हमें डिफरेंट, या कह सकते हैं कि डिफरेंट टूल लेंथ लेकर हमें होल करना है, तो हमें फिर से यही करना होगा, इस टूल को लेकर, ये हमारा दूसरा टूल है, इस टूल को लेकर फिर से हमें WCS फाइंड करना है, और WCS फाइंड करने के साथ वो एस्टिमेट कर लेगा कि जो हमारा मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कितना रहेगा, टूल को हमें कितना मूव कराना है, वो सीएनसी अपने आप ही डिफाइन कर लेगा। अगर ये ऐसा ही करते रहे कि एक वर्क पीस के हमें कई सारे ऑपरेशंस करने होंगे, वो डिफरेंट लेंथ के होंगे टूल्स और डिफरेंट डायमीटर्स के होंगे, तो डिफरेंट लेंथ की वजह से हम सारी बार हमें WCS फाइंड करना होगा। पर अगर हम ऐसा कर सके, हमें सिर्फ मशीन में टूल लेंथ ही एक बार वहाँ पर हमें इनपुट देना है कि इतने टूल वाला, इतनी लेंथ वाला हमारे पास टूल अवेलेबल है, तो उसे ही वही डेटा हमें इनपुट करना है, तो हम ये भी कर सकते हैं, जिसे टूल लेंथ कंपेंसेशन कहा जाता है, कि CNC अपने आप ही, जब हम टूल लेंथ इनपुट करेंगे CNC को, तो अपने आप ही MCS कोऑर्डिनेट को वो कैलकुलेट कर लेगा, एस्टिमेट कर लेगा। इन द CNC मशीन ऑल द टूल्स आर मेजर असेंबल स्टेट, तो असेंबल स्टेट में वो मेजर कर पाएगा, एंड द टूल यूजिंग मेजरिंग डिवाइस इज नोन ए टूल प्रीसेटर। तो टूल प्रीसेटर की मदद से हम जो टूल असेंबल है हमारा टूल होल्डर एंड जो हमारा ये टूल, तो उसकी लेंथ को वो मेजर कर लेगा, और हमें सिर्फ वही इनपुट करनी है मशीन में, जैसे कि यहाँ पर द डिस्टेंस ऑफ गिवन टूल टिप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वर्क पेस इज नोन एज द टूल लेंथ ऑफसेट। जैसे कि यहाँ पर एक एच है और ये H02 और H03 टूल हमारे पास अवेलेबल है, तो सिर्फ हमें टूल लेंथ ऑफसेट ले लेने हैं, जो कि हम प्रीसेटर के यूज से हम ले सकते हैं, एंड द एस्टिमेट फ्रॉम द टूल लेंथ स्टोर्ड इन द टूल रजिस्टर। तो हमें सिर्फ जो H01 H02 है वो सिर्फ हमें इनपुट करने हैं, जो अपने आप CNC मेज़र कर लेगा कि हमें MCS के रेफरेंस लेकर मुझे टूल को कहाँ तक पहुँचाना है, किस पोजीशन पर खड़ा करना है। नाउ द टूल लेंथ ऑफसेट फंक्शन इज G43, उसके लिए कोड है G43 एंड यूज टू टूल ऑफसेट ऑन, ऑन करने के लिए G43 कमांड अवेलेबल है।
तो बेसिकली हमें हमें तो सिर्फ डब्ल्यू सी एस ही फाइंड करना है, और जो टूल का जो जो उसे सी एन सी को टूल को मूव कराना है, हमने जो जी जो भी पॉइंट डिफाइन किया वहाँ पर हमें वर्क करना है, तो वो अपने आप ही कैलकुलेट करने का। डब्ल्यू सी एस हमें सिर्फ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ही देने हैं। और इस तरह से अगर अलग अलग वेरी लेंथ वाली हमें टूल आ जाए तो बारी बारी से हमें डब्ल्यू सी एस फाइंड करना होगा। पर हमें सिर्फ लेंथ ही अगर हम इनपुट कर दें सी एन सी मशीन में, तो अपने आप ही वो एम सी एस जो भी उसे कितना चलना है, किस पोजीशन पे रुकना है, तो टूल वेरी होने के साथ वो अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा डेटा और फीड कर देगा कि मुझे इस टूल को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाना है। अगर टूल की लेंथ वेरियस होगी फिर भी, क्योंकि हमने टूथ जो लेंथ है वो ऑलरेडी फीड कर दिए या दे दिए, इनपुट कर दिए, तो इस तरह से हम टूल लेंथ कंपेंसेशन कर सकते हैं। और इसका मेन एम यही है कि हम जो सारी एक्स्ट्रा जो लेबरियस वर्क है उसे हम छुटकारा पा सकें, क्योंकि हर वक्त तो हम डब्ल्यू सी एस फाइंड नहीं कर सकते। और ये डब्ल्यू सी एस फाइंड करना एक इम्पोर्टेंट टास्क है, और उसके हिसाब उसके साथ ही ये बहुत ही मुश्किल टास्क भी है, तो हम इससे राहत पा सकते हैं।